हम सबको मुगलाई खाना बहुत पसंद है क्योंकि जो उसकी ग्रेवीज होती हैं वो होती हैं वेलवेटी एंड स्मूथ, मसाले बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं और जो फ्लेवर्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। पर हम इसे अपनी किचन में बनाने से कतराते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे, बहुत सारी मेहनत जाएगी और साथ में लगेगा बहुत सारा टाइम। पर आपके इस मिथ को आज हम बर्स्ट करते हैं और अपनी किचन में बनाते हैं मुगलाई चिकन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपने अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक, जरा सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नींबू का रस। ये छोटा सा मैरिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चिकन की स्मेल है वो निकल जाए। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इन द मीन टाइम एक कढ़ाई में करीब 1 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लीजिए। अब इस ज़रा से गरम तेल में हम रोस्ट करेंगे इन मसालों को। 1 से 1.5 चम्मच साबित धनिए की, 1/2 चम्मच जीरा, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची के दाने, 8 से 10 काली मिर्ची, 3 से 4 लौंग और 2 से 3 कश्मीरी साबित लाल मिर्चें। इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। अब इन रोस्टेड मसालों को ट्रांसफर करते हैं एक बड़े ग्राइंडिंग जार में। अब अपने मुगलाई चिकन की ग्रेवी का बेस बनाने के लिए हम इसी कढ़ाई में सौते करते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और। अब इस गरम तेल में मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम प्याज जिसे कुछ इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। एक टुकड़ा अदरक का, इसे बड़ा बड़ा काटा है, और 15 से 20 कलियाँ लहसुन की। इसको हल्का सा नमक डाल के तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और फ्राई करने के बाद ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड करेंगे। प्याज, अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 10 से 12 बादाम और उसे भी करीब 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बादाम भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस मसाले को हम मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स पर इसे पीसेंगे हम 10 से 15 मिनट बाद जब तक ये ठंडा हो चुका होगा। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा टमाटर जिसे ऐसे रफली चॉप कर लिया है और करीब 3 से 4 टेबलस्पून दही के। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करके हम उसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते और फिर हम करेंगे मैरिनेटेड चिकन को शैलो फ्राई। चिकन करीब 5 से 7 मिनट के लिए शैलो फ्राई हो चुका है और मसाला भी पिसके तैयार है। अब पिसे हुए मसाले को मिक्स करते हैं हम शैलो फ्राई चिकन के साथ। चिकन और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई हीट पे भून लीजिए। चिकन को मसाले के साथ पकते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे सीजन करते हैं कुछ बेसिक से मसालों के साथ और फिर हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता।
देखिए ग्रेवी का टेक्सचर अभी से कितना बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, एक से डेढ़ चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। साथ में मैं डाल रही हूँ हल्का सा गरम पानी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सिमर करिए जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता और इसमें लगने चाहिए करीब 20 से 25 मिनट। हो चुके हैं और मुगलई चिकन बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप चाहें तो इसे सर्व करिए नान, पराठा, रोटी के साथ में। उम्मीद करती हूँ मुगलई चिकन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।